तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो अपना जो फैराडेज फर्स्ट लॉ था, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, यहां पर उसने क्या बताया कि वेट ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट। ठीक है, जैसे अगर हम कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लगाते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आपको बताया था कि हमने सोडियम क्लोराइड इसके अंदर लिया है, Na प्लस है एंड Cl माइनस है, ये फ्यूज स्टेट में है। फ्यूज स्टेट मतलब क्या है, पिघला हुआ, और इसको हम बैटरी से जोड़ते हैं, यहां पर ये माइनस और ये प्लस, तो डेफिनेटली जैसे ही करंट पास होता है तो सोडियम इस पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो हम बोलते हैं सोडियम प्लस, यानी ये आयन, इसने बैटरी से इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पर कैथोड के ऊपर, ये कैथोड है, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो न्यूट्रल सोडियम हो गया, मतलब इसके ऊपर क्या हो रहा है, वो डिपॉजिट हो रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। किसी भी एक मेटल पर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाना इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये जो लॉ है ये किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, हम अब तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हम केमिकल एनर्जी में, केमिकल रिएक्शन के अंदर, ओके। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर फैराडेज फर्स्ट लॉ है, वो बोलता है वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट। मतलब किसी भी, जैसे अपने को सोडियम का वेट निकालना है कितना डिपॉजिट हुआ, तो वो डायरेक्ट रिलेशन में किसके हैं, Q के। फिर उसके बाद हमने क्या रिलेशन देखा कि Q का मतलब होता है I इंटू टी, करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड, इससे हम उसको निकालते थे। फिर हमने कहा कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी, प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, तो W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। हम यहां तक पहुंचे थे फर्स्ट लॉ के रिलेशन में, कि फर्स्ट लॉ के रिलेशन में यहां पर ये हमने बताया था कि W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, जिसमें W क्या है, वेट ऑफ द सब्सटेंस, Z को हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इसको हमने कहा था। I, व्हाट इज I, करंट इन एम्पियर, करंट, करंट इन एम्पियर, एम्पियर में करंट, और T क्या था, टाइम, यूनिट टाइम, ये सेकेंड मिनट कुछ भी ले सकते हैं आप, सेकेंड मिनट डे आर मंथ कुछ भी, ठीक है, लेकिन यहां पर सेकेंड में लिया जाता है या मिनट में लिया जाता है यूजुअली, ओके। तो ये रिलेशन था अपना फर्स्ट लॉ का, ओके। तो यहां पर ये फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है कि वेट ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। और न्यू बुक में जैसे मैंने आपको बताया कि तीन चीजों को लेकर एक्सप्लेन किया इसी सिंपल चीज को, वो तीन चीजें क्या क्या थी, उसमें सबसे पहली चीज क्या थी, मोल रेशो। पहले क्या लिया था, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले क्या लिया था, सबसे पहले मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद है क्या आपको, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसी को हम यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से, ओके। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको वहां पर, यस, क्यू अपॉन 96500 कोलम। तो ये 96500 क्या होता है, ये भी याद रखिए आप, 96500 का मतलब होता है 1 फैराडे, इतने कोलम मतलब इतने फैराडे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1 फैराडे का होता है। और ये कहां से आता है, इसके लिए मैंने आपको बेसिक भी बताया था कि अपना जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज क्या होता है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कोलम, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। लेकिन जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1 मोल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन,
वन मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन का अपने को निकालना है कोलम में चार्ज, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 1.602 × 10²⁻¹⁹ कोलम × 6.023 × 10²³⁰, तो आंसर आता है 96455 समथिंग आता है, इसको अप्रोक्सीमेट लेते 96500, समझा। तो ये होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या ये वन मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, ठीक है। तो इसको वन फेराडे भी कहते हैं। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं ऐसे, ये भी मैंने आपको कहा था याद रखना है, ये एक पॉइंट हमने यूज किया था मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या लिया था हमने, मोल्स प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलते थे मोल रेशियो, तो मोल रेशो निकाला था। नेक्स्ट क्या निकाला था, मोल रेशो। मोल रेशो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन हाफ सेल, रिक्वायर्ड इन हाफ सेल, हाफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना सेकेंड पॉइंट था आपको याद रखने के लिए, मैंने कहा था जैसे एग्जाम्पल कॉपर का रिएक्शन है, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया कॉपर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले 1, तो आप इसका मोल रेशो निकालेंगे ऐसे। नंबर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है अपना, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट वन, वन मोल मिला है, कितने इलेक्ट्रॉन लगे उसके लिए 2, 2 आंसर क्या आएगा 0.5, समझा आपको। तो ये होता है मोल रेशियो। और थर्ड क्या था, वेट ऑफ सब्सटेंस, तो हमने उसको क्या निकाला था, मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, क्या कहा था हमने उसको, मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस। तो वेट ऑफ सब्सटेंस निकालने के लिए इसको हम मोलार मास से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, याद है आपको। तो वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सब्सटेंस मतलब कौन, मतलब ये जो यहां मैंने शॉर्ट में बताया आपको, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी, दोनों भी, ठीक है। तो ये W है, वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, ये वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, इज इक्वल टू, यस यस बोलिए, पहले मोल रेशो क्यू अपॉन 96500 × मोल रेशो, जो भी रहेगा जिसका भी वह, इस तरह आपको निकालना है, मोल रेशो इंटू मोलार मास, इसको हम लेंगे यहां पर m, दिस इज मोलार मास। तो ये वेट ऑफ द सब्सटेंस के लिए बना अपना फर्स्ट लॉ के लिए फॉर्मूला, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये भी फैराडेज फर्स्ट लॉ के लिए, ये इसका दूसरा फॉर्म है, इसको कैसे बताते हैं मैं और बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहां पर m, व्हाट इज m, मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस, जैसे यहां पर हम लेते हैं कॉपर, ये सब्सटेंस कॉपर जमा हो रहा है ना, सोडियम ये, तो कितना आएगा मोलार मास 23, सोडियम का कितना है, वैसे कॉपर, कॉपर का मास कितना है 63, तो वो कितना आएगा यहां पर कॉपर के लिए 63, यहां पर 63 आएगा, समझा आपको, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ, दोनों कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया, ओके, स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइए। वेट ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट। सेकेंड लॉ, फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडेज, फैराडेज सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे यहां तो एक था ना सिंगल, अब जैसे आपने ये एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, और भी ले सकते हैं, यहां पर इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये है पॉजिटिव टर्मिनल
और ये है निगेटिव टर्मिनल, और इसको लाकर यहाँ से इससे जोड़ दिया कैथोड से, ओके ये जोड़ दिया, और बीच में और दो इलेक्ट्रोड हम लगाते हैं दोनों सेल को जोड़ने के लिए। तो ये बना है निगेटिव टर्मिनल बैटरी के, और ये बना है पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, ठीक है ओके। तो इन दोनों को जोड़े हमने, तो ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। यहाँ पर हमने लिया फॉर एग्जाम्पल AgNO3, और यहाँ पर क्या लिया है CuSO4। तो यहाँ पर कौन से आयन रहेंगे अंदर, Ag+, कौन से रहेंगे Ag+, और यहाँ पर कौन से रहेंगे Cu2+। अंदर मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि हमको कुछ लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो when different electrolytes are connected in series, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, when different electrolytes are connected in series, जब बहुत सारे electrolytes series में connect होते हैं, तब यहाँ पर weight of the substance कैसे निकालते हैं, मतलब यहाँ silver जमेगा ना, और जमेगा कि नहीं, और यहाँ कौन जमेगा, copper, यहाँ silver जमेगा, यहाँ पर copper, getting, तो डिफरेंट सब्सटेंस है तो इसका रिलेशन भी फैराडे ने बहुत अच्छा बताया, ठीक है। उसने बोला वेट ऑफ द सब्सटेंस, पहले उसको हम ऐसे बोलेंगे, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड सेम करंट इज पासिंग थ्रू देम, देन वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, weight of the substance deposited Ag and Cu, weight of the substance deposited are directly proportional to their chemical equivalence. ये electrochemical equivalence अलग है, और ये कौन है, chemical equivalence, वो क्या होता है, equivalent weight, equivalent weight, मैंने last time बताया आपको, अब हम उसको थोड़ा सा explain करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखो। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जांपल इसको कंसीडर करो हम वेट 1 और इसको बोलेंगे वेट 2, तो वेट ऑफ द सब्सटेंस फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ फर्स्ट, वेट ऑफ सब्सटेंस 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंस नंबर 2, केमिकल इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बताता हूं मैं आपको, ठीक है ओके बाद में लास्ट में रिलेशन, इसलिए जरा ध्यान से सब लोग, ठीक है ओके। तो वो बोलते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन में, अगर इसको हमने फर्स्ट को डिवाइड किए 2 से, तो अपने को इक्वेशन क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो क्या आता है, कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं W1 इज इक्वल टू कांस्टेंट E1, W2 इज इक्वल टू कांस्टेंट E2, और जब डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2, ये है फैराडे सेकेंड लॉ। दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तीन रहे तो तीन के लिए भी बना सकते हैं, W1 W2 लेकर एक बार बनाया, अगली बार W1 W3, समझा आपको, W1 W4 अलग अलग के सेट्स बना सकते हैं इसके, समझा ओके। अब न्यू बुक्स में जो अपने टेक्स्ट बुक में लिया है उसने इससे एक्सप्लेन किया है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है कि वेट ऑफ द सब्सटेंस मतलब W, चलिए आ जाइए इधर, क्या बोलता है वो, W इज इक्वल टू Q/96500, मतलब 1 फैराडे, ओके, इनटू मोल रेशियो, मोल रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको अभी, प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 1 कॉपर, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 1/2, ठीक है मोल रेशियो, फिर मोलार मास ऑफ द सब्सटेंस बराबर है, तो फैराडे बोलता है हम इसको भी यूज कर सकते हैं फर्स्ट लॉ की जो इक्वेशन हमने यहां पर देखे, ये भी है लेकिन ये वाला यूज कर रहे हैं अभी हम, नया जो बताया बुक में, अब उसके हिसाब से देखिए। तो अब यहां पर क्या होगा, वो बोलता है 1 के लिए इसको कर दो 1 1, ये भी क्या रहेगा 1, ये भी क्या रहेगा 1, फर्स्ट के लिए मोल रेशियो, फर्स्ट के लिए मोलर मास, एजी के लिए 108, कॉपर के लिए 63, अलग अलग रहेगा ना मोलर मास, ओके। W2 इज इक्वल टू Q/96500, क्योंकि ये तो क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यूज है ना ये, ओके, इज इक्वल इंटू
मोल रेशो किसका, टू का, इनटू मोलार मास ऑफ दी टू, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों अलग अलग इक्वेशन। फिर क्या बोल रहा है वो, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करते हैं इसको, कंफ्यूज तो नहीं होगा क्या, रीअरेंज करके फिर से लिखूं मैं इसको, पहले रीअरेंज कर लिया फिर बाद में लिखा तो और इजी जाएगा आपको। देखो रीअरेंज करते हैं पहले इसको, हम ये वन वाला निकाल देते हैं अभी, इसको रीअरेंज करते हैं यहां पर, ओके तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, मोल रेशियो और मोलार मास को नीचे लेकर आ जाते हैं, ला लेते हैं, क्या बनेगा, डब्ल्यू अपॉन मोल रेशियो इनटू मोलार मास इज इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। ठीक है, रीअरेंज किया, ओके फर्स्ट के लिए लेते हैं, डब्ल्यू वन रहेगा, मोल रेशियो फॉर वन, मोलार मास फॉर वन। दूसरा सेम इक्वेशन टू के लिए, डब्ल्यू टू अपॉन मोल रेशियो फॉर टू इंटू मोलार मास ऑफ टू इज इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। तो ये क्यू अपॉन 96500 इसके बराबर है, क्यू अपॉन 96500 इसके बराबर है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, डब्ल्यू वन अपॉन मोल रेशियो फॉर वन इंटू मोलार मास ऑफ वन इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन मोल रेशियो फॉर टू इंटू मोलार मास ऑफ टू। रीअरेंज करते हैं इस पूरे को उठाकर ऊपर और डब्ल्यू टू को नीचे, तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, W1 वन अपॉन डब्ल्यू टू, ये पूरा गया ऊपर, मोल रेशियो फॉर वन इंटू मोलार मास ऑफ वन अपॉन मोल रेशियो फॉर टू इंटू मोलार मास ऑफ टू, बराबर है। और ये क्या बोल रहा था, अब इसको थोड़ा ऐसे बना लूं, हाँ अब देखो W1 वन अपॉन डब्ल्यू टू, E1 अपॉन E2, तो E1 की जगह कौन है, मोल रेशियो इनटू M1। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देखो, मोल रेशियो, मोल रेशियो हम कैसे निकालते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, क्या ये बात दुरुस्त है, हम मोल रेशियो ऐसे ही निकालते ना, हाँ तो मैं इसको लिख रहा हूं फिर से, W1 upon W2, मोल रेशो क्या होता है, मोल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोल्स प्रोडक्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इंटू मोलार मास, ओके। नीचे भी क्या रहेगा, सेम मोल्स प्रोडक्ट दूसरे के लिए, जैसे ये कॉपर के लिए, ये सिल्वर के लिए, ठीक है, मोल्स प्रोडक्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन लगे उस रिएक्शन में, मोलार मास ऑफ टू। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ बताता हूं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हम W1 में Ag को कंसीडर कर रहे हैं, Ag, तो Ag का कितना आएगा बोलो, मैं इसको W1, 1 की जगह क्या ले रहा हूं, Ag, वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ Ag अपॉन वेट ऑफ कॉपर लिख लिया हमने, ओके। मोल प्रोडक्ट किसका, सिल्वर के लिए, तो कॉपर की रिएक्शन तो मैंने बताया ना आपको, अब सिल्वर की भी बता दूं, यहां पर सिल्वर प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन गिव्स सिल्वर, तो इसका क्या आएगा मोल रेशो बोलो, मोल रेशो प्रोडक्ट कितना मिला, वन, एक ही मिला ना मोल, वन इलेक्ट्रॉन कितने लगे, वन, वन अपॉन वन, तो आंसर क्या आएगा, वन, तो यहां पर रहेगा वन अपॉन वन इंटू मोलार मास 108 अपॉन, चलो कॉपर का लेते हैं, वन अपॉन टू, ये निकाला ना हमने, तो वन अपॉन टू इंटू 63, समझा आपको। अब यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि जो आंसर इसका है वन अपॉन वन, अगर 108 कौन है मोलार मास, और वन कौन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड,
तो जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है उसको वैलेंसी भी बोल सकते हैं ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी वन है, वैलेंसी वन है, बराबर है कि नहीं है। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन क्यों लग रहे हैं, वैलेंसी टू है, समझा आपको। तो हम इससे वैलेंसी बता सकते हैं और मोलार मास अपॉन वैलेंसी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 × 1 0 / 1, मतलब मोलार मास अपॉन वैलेंसी। तो यह शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको, मोलार मास यानी एम जिसको हम लिख रहे हैं यहां पर अपॉन वैलेंसी, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। क्या मतलब होता है इसका, इक्विवेलेंट वेट यानी केमिकल इक्विवेलेंस, उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नाम दिया है इक्विवेलेंस, समझा आपको। तो ये पूरा क्या हो गया, 108 मोलर मास ऑफ सिल्वर अपॉन वन, मतलब केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ, इक्विवेलेंट वेट मतलब केमिकल इक्विवेलेंस। अरे भाई केमिकल इक्विवेलेंट मतलब, केमिकल इक्विवेलेंस मतलब यहां पर इक्विवेलेंट वेट की बात चल रही है, समझा आपको। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ई, क्या हो जाएगा, ई, ई ऑफ ए जी अपॉन ई ऑफ सी यू, समझा, समझा। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सेकंड के लिए, सेकंड लॉ फैराडे सेकंड लॉ के, वेट ऑफ द सब्सटेंस, या ये भी यूज कर सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंस व्हेन देयर आर सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो तो। फैराडेज फर्स्ट लॉ ओल्ड मेथड न्यू मेथड, सेकंड लॉ ओल्ड मेथड न्यू मेथड, कैसे आपको करना है आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। रिलेशन क्या था यहां पर मैंने आपको बता दिया, ओके तो इसको पॉज। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, हम एक पुराने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक पार्ट चल रहा है अपना। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए, ये आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज हम इसमें कुछ न्यू कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कई बार आप इसको पढ़ चुके हैं, सोडियम क्लोराइड, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं यहां पर, ओके। यहां पर ग्रेफाइट रॉड्स यूज किए जाते हैं, एक्चुअली किस, ये जो हेडिंग है इसको यहां पर हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जहां पर हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, ओके। अब जरा यहां पर ध्यान से देखना है, इसको आपने जोड़ा बैटरी से, ओके, क्योंकि अपने को करंट चाहिए यहां पर, ओके। ये निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपने को पता है जो निगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है जो निगेटिव बैटरी से कनेक्ट है तो इसको हम कहते हैं कैथोड, और यहां पर जो पॉजिटिव पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, एनोड, ओके। यहां पर हमने लिया है फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, ये स्कूल से पढ़ रहे हैं आप, कि अंदर तैयार होते हैं Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, ये करंट की वजह से, ठीक है। क्या होता है ये मोल्टन स्टेट में, अगर सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया तो क्रिस्टल्स होते हैं उसके, उसमें करंट पास नहीं होता है। आपने सॉलिड सोडियम क्लोराइड बर्नी है उसके अंदर करंट वायर डाल दिया, दूसरी तरफ अपनी उंगली डाला, आपने कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सॉलिड में करंट पास नहीं होता है, फ्यूज स्टेट में होता है, पिघले हुए हालत में या फिर एक्वियस पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया तो, ठीक है, ओके। अब यहां फ्यूज सोडियम क्लोराइड आपने लिया तो Na प्लस Cl माइनस का मीनिंग वो कैसे बनता है, यहां पर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फ्रॉम बैटरी, बैटरी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो सोडियम प्लस उस इलेक्ट्रॉन को लेता है और बन जाता है न्यूट्रल सोडियम, तो वो डिपॉजिट हो गया यहां पर, सोडियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, कैथोड पर हुआ इसलिए क्या कहते हैं इसको, कैथोडिक रिडक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दूसरा पार्ट है क्लोरीन निगेटिव पार्ट है, ये जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के, इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करके न्यूट्रल क्लोरीन बन गया और इलेक्ट्रॉन लॉस, इसको लिखते हैं एक्चुअली हाफ सीएल टू है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है इसको कंप्लीट, ठीक है, हाफ सीएल टू लिखा जाता है एक्चुअली इसको, हाफ सीएल टू मतलब एक क्लोरीन, ठीक है, लेकिन ऐसे अगर यहां टू लिया तो अपने को ये दो मिलेगा, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं सीएल टू, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, ओके, बैलेंस करने के लिए। तो क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ है एट एनोड, तो इसको बोलते हैं एनोडिक, इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना इसलिए ऑक्सीडेशन, एनोडिक ऑक्सीडेशन, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ये हो गया एक रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। इसको कंप्लीट इक्वेशन अपने को शो करना है तो क्या करना पड़ता है, ये टू है तो ये भी टू लेना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, नहीं भी लिखा तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूं, बैलेंस करना है तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो बैलेंस करने के लिए इसको भी दो इलेक्ट्रॉन, तो इसको कैसे लिखते हैं एक्चुअली, टू मोल्स ऑफ Na प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स टू Na, और यहां पर टू Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन, बैलेंस के लिए, समझा आपको, यहां दो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना, दो लिया तो इसलिए इसको भी टू लिया, इलेक्ट्रॉन दो दो कैंसल, तो क्या हुआ टू Na प्लस और कौन है 2Cl माइनस गिव्स 2Na एंड Cl2, मतलब अपने को कैथोड पर मिला है सोडियम और एनोड पर कौन सी गैस लिबरेट हुए क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन गैस चली गई, दिखी आपको नहीं, आवाज ही बोलो दिखी नहीं, अरे समझा गया, क्लोरीन गैस चला गया, सोडियम डिपॉजिट हो गया, आसानी से फैराडेज फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, कितना करंट पास करे उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ओके चलो। लेकिन अगर यही कंस्ट्रक्शन है, सेम कंस्ट्रक्शन है यहां पर, लेकिन यहां पर हम ले रहे हैं सेम ग्रेफाइट, नो प्रॉब्लम, सेम बैटरी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसको जोड़ दिया, लेकिन अंदर अब जो हम ले रहे हैं एक्वियस सोडियम क्लोराइड, क्या लिया है मतलब पानी है अंदर, जब पानी है मतलब अब अंदर क्या क्या है, Na प्लस है, Cl माइनस है, H2O है, लेकिन H2O के अंदर आयंस होते हैं अपने को पता है ना, एक लीटर में मिनिमम कितने 10^-7 याद है आपको, अरे भाई 1 लीटर में H प्लस आयन कितने होते हैं 10^-7 मोल्स, वैसे OH माइनस, तो अंदर H प्लस भी है अंदर OH माइनस भी है, तो यहां पोटेंशियल में कंपटीशन होता है, कंपटीशन, और कंपटीशन की वजह से प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चेंज, प्रोडक्ट अलग, यहां प्रोडक्ट सिंपल था सोडियम एंड क्लोरीन, आसान था, यहां प्रोडक्ट चेंज, अब प्रोडक्ट चेंज क्या होता है चलो अब जरा ध्यान से देखो, पहला फर्स्ट कंपटीशन कैथोड के ऊपर कंपटीशन, मतलब इस साइड में ये निगेटिव टर्मिनल के पास कैथोड की बात चल रही है, इधर कौन है एनोड, एक्वियस लिया है, ओके। जब हम लेते हैं यहां पर तो यहां सिर्फ एक प्लस आयन नहीं है, दो प्लस आयन है, Na प्लस एंड एच प्लस, तो Na प्लस सेम एक्शन शो करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बैटरी से लेगा और बन जाएगा न्यूट्रल सोडियम, लेकिन वही H प्लस भी ट्राई कर रहा है, H प्लस भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और क्या बनता है हाफ H2, ऐसे लिखते हैं इसको हाफ H2, लेकिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं यहां पर जीरो पोटेंशियल मिलता है, कितना 0.0 मतलब जीरो ना, इसको लिख रहे हैं ऐसे जीरो पोटेंशियल, यहां जीरो पोटेंशियल मिलता है जबकि यहां पर -2.74 मिलता है सोडियम के पास, अच्छा मिलता है -2.7, बड़ा कौन है जीरो, तो यहां पर हायर वैल्यू को जो पोटेंशियल हमको मिल रहा है यहां पर जो ई वैल्यू होती है ई वैल्यू जो हम पहले देख चुके हैं, तो ये जो पोटेंशियल इसको स्टैंडर्ड हम ऐसे बताते हैं ना यहां पर, ओके okay?
तो ये जो ई वैल्यू मिल रही है हायर को प्रायोरिटी दी जाती है, यहां पर हायर को प्रायोरिटी दी जाती है। इसका मतलब क्या है, हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे यहां पर, इसको, बराबर है, ओके। इसलिए ये वैल्यू कंसिडर की जाएंगी हायर वैल्यू, और ये रहेंगी अपनी कैथोडिक रिएक्शन, मतलब कंपटीशन में जिसका पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा रहता है कंपटीशन में वो प्रायोरिटी ले लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। मतलब आपको कैथोड पर कौन सी गैस मिलने वाली है, हाइड्रोजन गैस, समझा, हाइड्रोजन गैस आपको यहां पर प्रायोरिटी में मिलने वाली है, ओके। तो इसलिए अपनी कैथोडिक रिएक्शन यानी जो कैथोडिक एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, कैथोडिक रिडक्शन क्या हो जाएगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, लेकिन ये जो H प्लस है आया कहां से, H प्लस एंड OH माइनस यानी वाटर से आया है ना, अरे बोलो ना भाई, अब ये वाटर से आया है तो उसको लिखा ऐसे ही जाता है, वाटर से आया है और इलेक्ट्रॉन लिया है और क्या बनाया है, हाफ एच टू, हाफ एच टू मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो क्या बनेगा, OH माइनस, समझा आपको, इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, अरे भाई एच प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया हाफ एच टू बना, सेम एच प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया हाफ एच टू बना, वही है ये भी, लेकिन एच प्लस कहां से आया, एच टू ओ से, तो वो अपन बता रहे, तो जब एच टू ओ में से एच प्लस निकल जाएगा तो बचेगा क्या, तो उसको यहां लिखना पड़ेगा ना, हाँ, तो ये अपने को जीरो पोटेंशियल के साथ यहां पर मिल गया है, ओके, ये चला गया, तो ये अपनी कैथोडिक रिडक्शन हो गई कंप्लीट। चलो एनोड पर क्या हुआ, एनोड, एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, यहां कॉम्पिटिशन में दो है, कौन कौन है, Cl एंड OH, तो Cl OH माइनस, OH माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाएगा, क्या बनाएगा, H प्लस एंड हाफ O2, एक ऑक्सीजन मतलब हाफ O2, जैसे ये वाटर ने OH माइनस निकाला, ये क्या निकालेगा, H प्लस, अरे भाई O चाहिए ना, तो H प्लस चला गया तो क्या बचेगा, हाफ O2, अरे बोलो ना, और एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे शो किया जाता है, ओके, तो ये चला गया यहां से, तो ये इक्वेशन हो गई, यहां पर अपने को पोटेंशियल मिलता है 1.36, कितना मिलता है 1.36। दूसरा कॉम्पिटिशन किसका है, क्लोरीन का, क्लोरीन कितना है, ये देता है यहां पर अपने को Cl2 कितना, हाफ, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन 1.23, कितना 1.23, हाँ ये तो नहीं मालूम था ना आपको, ठीक है 1.23। अब यहां हायर वैल्यू किसका है, OH माइनस का है ना, लेकिन इसमें इसका एक ड्रॉबैक है, दूसरे कोई इक्वेशन जब आएंगी तो यहां पर OH का कंसीडर होगा, लेकिन इस इक्वेशन में OH का कंसीडर नहीं होता है, तो ये पॉइंट आप याद रखिए, आगे आएगा, वैल्यू ऑफ OH माइनस आयन इज हाई बट इट इज ओवर पोटेंशियल, इट इज ओवर पोटेंशियल, हेंस किसको कंसिडर करते हैं, क्लोरीन को, हालांकि वो लो वैल्यू है, ओवर पोटेंशियल की वजह से इसको कंसिडर नहीं किया जाता, ये पॉइंट याद रखो, आगे आएगा वो क्या है, होता है ओवर पोटेंशियल, इसलिए अपनी इक्वेशन रहेंगी Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गई एनोड और ये हो गई कैथोड। चलो एनोड और कैथोड को अगर अपन ने साथ में लिया तो अपनी इक्वेशन में अपने को प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है, हाफ H2, अरे मिला ना, कहां गया, हाफ H2, और इधर क्या मिला अपने को, हाफ Cl2 मिला, हाफ Cl2 प्लस प्लस प्लस, कौन से आयन बच गए जो नहीं आए, अरे भाई इनके कॉम्पिटिशन में कौन आ गया, हाफ H2, तो बच गया कौन, Na बना नहीं ना, ये आ गया तो कौन बचा, Na प्लस, कौन बचा, तो ये आ गया Na प्लस, इनके आपस में कॉम्पिटिशन में Cl आ गया क्लोरीन बनकर Cl2, तो बचा कौन, OH माइनस, O2 नहीं बना ना, क्या बचा वो, OH माइनस,
तो Na प्लस एंड OH माइनस क्या बन गया, NaOH। इसलिए क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन, कौन सा है जो अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, तो आंसर था एक्विस सोडियम क्लोराइड। क्यों, एक्विस सोडियम क्लोराइड लेते तो लास्ट में क्या बनता है, NaOH, और NaOH जब बनता है तो डेफिनेटली क्या रहेगा, वो अल्कलाइन। समझा? ओके।